सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। निर्णय करना पड़ेगा उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न स्टेट करने का। और नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत पहले से ही गर्म है। एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि वो इसे मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, वहीं देश में कई और प्रदेश ऐसे हैं जहां की सरकारें इस कानून को उनके प्रदेश में लागू नहीं करने की बात कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के एक सांसद ने उन सभी सरकारों को चेता दिया है कि CAA कानून लागू न करने वाले प्रदेश में राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। साथ ही सरकारें भंग कर कानून लागू करने की बात भी कही है। ये सांसद हैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद राव उदय प्रताप सिंह। उन्होंने साफ कहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया है। जो दल विरोध कर रहे हैं उनके दल के लोग भी वहां मौजूद थे। राज्य सरकार कानून को लागू करने बाध्य हैं। यदि नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सरकारें भंग कर यदि कानून लागू करना पड़े तो भारत सरकार ये भी करेगी। उनको ये नहीं पता ये फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, एक गणतंत्री व्यवस्था हमारे देश की है। कोई राज्य सरकार, अगर भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है उन दलों के लोग वहां पर थे। आप अल्पमत में थे, आप वहां पराजित हो, आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ है। देश में संविधान के संशोधन करके कानून बना है, उस कानून को पालन करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न स्टेट करने का। और ये 356 धारा का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में अनेक बार पहले हुआ है, ये नहीं भूले कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलने वाला देश है। अगर भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो बाध्य हर राज्य सरकार और नागरिक पालन करने का, जो उसका पालन नहीं करेगा स्वाभाविक रूप से कानून सम्मत निर्णय भारत की सरकार कैबिनेट करेगी और राष्ट्रपति उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। आवश्यकता होगी राज्यों की सरकार अगर कहीं भंग करके भी देश के कानून को स्थापित करने का काम अगर सरकार करना पड़ेगा वो भी भारत की सरकार करेगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां भाजपा अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करने में लगी हुई है, ऐसे में इस तरह का बयान आने पर मध्य प्रदेश की सियासत आने वाले दिनों में और गर्माएगी। अनुज मनमार, सागर टीवी न्यूज। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।